मैं अपनी गुड़िया रानी के सर में तेल डाल दूं? सारी दुनिया के पेरेंट्स अपने बच्चों की हेल्प करते हैं कि वो बाहर जाके सेटल हो सके, और हमारे यहाँ मोहब्बत का मतलब है सर में तेल डाल दो। चलो अब्बा के पास इतने पैसे, अब आपने घर क्यों बेच दी? जहां रिश्ते कमजोर हो जाएं, वहां घर टूट जाते हैं। ऐसे टूटे हुए घर का मुझे क्या करना है? आप जरा रिश्तों को मजबूत कीजिए। घर की दीवारों और छतों को तो हम मजबूत बना ही देंगे, मॉडल स्टील। आओ एक मजबूत घर बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ शाहिद मियां। प्रोग्राम ख्वाबों से तबीयत तक के इस सफ़र में मेड इन पाकिस्तान एंड बिलीव इन पाकिस्तान के कॉन्सेप्ट के साथ, पावर्ड बाय मॉडर्न स्टील ग्रुप ऑफ कंपनीज़। व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि एशियन ट्रेड टीवी की रवायत है कि आप हमेशा ही आपसे ऐसे लोगों को मिलवाते हैं जिन्होंने ना सिर्फ अपने शोबे में रहते हुए बहुत ज़्यादा मुकाम बनाया होता है, बल्कि मुल्क पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा उनकी खिदमात होती है किसी ना किसी हवाले से। अगर हम लाहौर की सकाफ़त की बात करें और लाहौर की खिदमत की बात करें और CSR के हवाले से बात करें और लाहौर के एक ऐसे सियासी घराने की बात करें जिनकी जो तारीख है अगर हम कहें तो वो कई सालों के ऊपर उनकी खिदमत मुहीत है, लोग आज भी उनको उनकी खिदमत की वजह से पहचानते हैं, वो चाहे किसी जमात से भी उनका तल्लक हो इससे हट के। आज मेरे साथ एक बहुत ही हर दिल अजीज़ शख्सियत और मेरे बड़े अच्छे दोस्तों में से एक दोस्त हैं, मेरे साथ इस सफ़र में मेहमान होंगे। मैं जानने की कोशिश करूंगा उनकी कहानी उन्हीं की ज़बानी, और ये भी पूछूंगा कि वो उन्होंने जो बचपन में ख्वाब देखे थे वो ख्वाबों की तबीर उनको मिली है कि नहीं। जी हाँ, मैं पाकिस्तान ना सिर्फ मुल्क पाकिस्तान बल्कि पंजाब बल्कि लाहौर के एक बहुत बड़े सियासी घराने के एक ऐसे सपूत के साथ हूँ जो किसी तारुफ के मुहताज नहीं है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ फारूक यूसुफ गुरकी साहब की, नाम से जान गए होंगे। जी हाँ, बहुत सारे तारुफ हैं उनके। आप पंजाब के IT मिनिस्टर भी रहे हैं, आपके बहुत सारी खिदमात है पंजाब के हवाले से। गुरकी हॉस्पिटल, पंजाब के लोग, लाहौर के लोग जानते हैं गुरकी हॉस्पिटल की पंजाब के और लाहौर के लोगों के लिए क्या खिदमात है। आप उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से भी है और सीनियर लीडर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और बड़े एक्टिव, पूरी फैमिली माशाल्लाह बड़ी एक्टिव रही है पूरे सियासी एतबार से और मेहमान नवाजी के एतबार से। आज मेरे इस ख्वाबों से तबीर तक के सफ़र में फारूक गुरकी साहब हैं मेरे साथ। मैं जानने की कोशिश करूँगा उनके ख्वाब उन्हीं की ज़बानी। जी अस्सलाम वालेकुम फारूक साहब, वेलकम टू माय शो ख्वाबों से तबीयत तक के सफ़र में खुश आमदेद, पावर्ड बाय मॉडर्न स्टील ग्रुप ऑफ कंपनीज। सर, मेरे लिए बड़ी खुशाइन बात है कि आज मेरे साथ हैं एक स्मार्ट मैन लाहौर का, एक ऐसा सपूत जिसके हवाले से अगर बात करें गुरकी फैमिली की, नो डाउट आपकी बहुत ज़्यादा खिदमात है CSR के हवाले से। फारूक साहब, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि ख्वाबों से तबीयत तक के सफ़र में कि आप ये बचपन कैसा गुजरा, कहाँ से स्टार्ट किया, थोड़ा सा माजी के जुड़कों में जाइएगा, अपनी फैमिली बैकग्राउंड को बताने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जो एक नई जनरेशन आ चुकी हुई है वो शायद इतना अवेयर ना हो एक गुरकी ख़ानदान से। तो ये गुरकी ख़ानदान की पूरी बैकग्राउंड हिस्ट्री क्या है और अब और क्या क्या आप लोगों ने किया है, थोड़ा सा मुख्तसर से टाइम में थोड़ा बताइएगा। शुक्रिया शाह साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें इस काबिल समझा और आज आप हमारे पास आए हैं। हमारा गुरकी फैमिली पूरे पाकिस्तान में जानी पहचानी फैमिली है, पर के पूरी दुनिया में जो पाकिस्तानी कम्युनिटी सारे जानते हैं। हम लोगों की फैमिली की हिस्ट्री कुछ शॉर्ट ये है कि 80 से हम पॉलिटिक्स में आए, और हमारा जो गुरकी नाम है ये हमारा गांव का नाम है गुरकी। तो यहाँ पे हाजी असगर साहब दो होते थे, एक बागबानपुरा से और एक हाजी असगर में रिताया होते थे। तो वो लोग, हम जब इलेक्शन लड़ा और लोग कहते थे जी ये असगर कौन सा है, तो वो फिर हमारा नाम, क्योंकि हमारा गांव का नाम गुरकी था तो गुरकी साथ हमने लगाया ताकि लोगों को पहचान हो कि हम गुरकी गांव वाले असगर हैं, भगवानपुरे वाले नहीं हैं। तो इससे वो गुरकी, पहले ऑफ गुरकी आता था, फिर ऑफ ख़त्म हो गया, फिर सबके साथ गुरकी लगना शुरू हो गया। तो पॉलिटिक्स हमारे बड़ों ने भी बड़ी साफ़ सुथरी की, और अल्लाह का शुक्र है कि आज तक 30-35 साल जो हमने पॉलिटिक्स की है, बड़ी हमारे हाथ हर चीज़ साफ़ है,
ना हमारे ऊपर कोई लोन है, ना हमारे ऊपर कोई करप्शन के पर्चे हैं, ना कोई केस है, ना हमने कोई बेनिफिट्स लिए हैं पार्टी से, ना बल्कि अपना खून, अपना पसीना, अपनी ज़िंदगी, अपना टाइम पार्टी के लिए भी और वर्कर्स के लिए भी अपने हलकों के दिए हैं, जिसका नतीजा ये है कि हम पूरे हलके में हमारा एक नाम है और पहचान है। और इसी के साथ हमारा गुरकी हॉस्पिटल जो है वो जल्लो के साथ मनामा के पास है, वो भी इसलिए बनाया गया, वो भी कोई पॉलिटिकल स्टैंड के लिए नहीं था, वो खिदमत के हवाले से, वो खिदमत के लिए बनाया गया, क्योंकि जो हमारा गांव और पूरी वो बेल्ट थी उस साइड की, अगर आप कभी उस साइड पे गए होंगे तो बहुत ही थोड़ा सा रूरल टाइप, सिर्फ बागवानपुरा शहर आता था तब, या से 35 साल पहले की बात बता रहा, 90 से पहले की। तो हमारे बड़ों ने कहा कि यार कोई बंदा, क्योंकि तब ना कोई गाड़ी उस साइड पे होती थी, ना लोगों के पास इतने वसाइल थे कि वो यहाँ पर आ सकते, वो जिस बेचारे रेड़े पे या साइकिल पे या मोटरसाइकिल जिस तरह वो आते थे, आते आते पेशेंट जो है वो अल्लाह को प्यारा हो जाता था। तो हमारे पास यहाँ पे लैंड था पड़ा हुआ पुराना फैमिली सारी का, तो हमने फिर यहाँ पर सोचा कि इसको हॉस्पिटल बनाया जाए, और नैयर अली दादा साहब ने वो डिज़ाइन किया माशाल्लाह, और ईदी साहब ने उसका संगे बुनियाद रखा, और अल्लाह का शुक्र है कि आज पूरी दुनिया में उसका नाम है। और उस हॉस्पिटल से ही चलते चलते पॉलिटिक्स पे भी आपने देखा कि मेरे पहले ताया रहे हैं, फिर खालिद जवेद गुरकी साहब, फिर अर्शद जवेद गुरकी साहब रहे हैं, फिर क्या कहते हैं समीना खालिद गुरकी जो मेरी भाभी हैं वो हैं, फिर उसके बाद मैं एंटर हुआ हूँ तो आपके सामने हैं। लोग हमसे प्यार भी, हल्के के अवाम चाहती भी है, और ये मैं तो अपनी जो लाइफ है बड़ी अच्छी गुजार रहा था इस पॉलिटिक्स से हट के, जब 2002 तक। आप क्या बिजनेस देखते थे? मैं बिजनेस भी देखता था, हमारा लैंड का काम था सारा, फार्म हाउस okay. भी थे, लैंड थे, फार्म हाउस कटिंग करके भी कह रहे थे, DHA के साथ भी काम था। तो जब 2002 में पॉलिटिक्स में आया तो सारी लाइफ ही चेंज हो गई, फिर सिर्फ खिदमत की है, और लोगों के जितने काम अल्लाह पाक ने हमें तौफीक दी हम करते हैं, और आज तक भी कह रहे हैं, मिनिस्टर बने, सारा कुछ बने, लेकिन ना हमारे गेट बंद हुए, ना फ़ोन बंद, दरवाजे खुले रहे, फ़ोन हमारे खुले रहे। आज आप इस हल्के में जाके देखें, रात को कोई 3 बजे भी आया तो उसको रात एज अ मिनिस्टर या एज अ बंदा उठ के उसको हम मिले हैं बाहर, कोई जो ज़ाहरी बात है जो रात 3 बजे आता है वो उसे कोई बहुत ज़्यादा तकलीफ से होगी तो वो आएगा ना। तो अगर आप सो रहे हैं तो मैंने तो यहाँ तक अपने गार्डों को कहा हुआ था कि कोई आया तो मेरे कमरे का शीशा नॉक करना, बजाय कि सारे घर में शॉर्ट डाल तो मैं उठ के बाहर आ जाया करूँगा, लेकिन जाने नहीं देना किसी को। तो ये सर ये एक खिदमत का जुनून भी था, और पॉलिटिक्स में चाहता था कि मैं कुछ डिलीवर कर सकूँ, कुछ अपना नाम तो शुक्र अल्लाह का कि गुरकी फैमिली का था, लेकिन उसके अंदर मज़ीद और इजाफ़ा कर सकूँ। तो इसके लिए काफ़ी मैंने मेहनत की है, काफ़ी लोगों के साथ रबते में रहा हूँ, और कोई भी ऐसी चीज़, लोग MP MLA बनते हैं, उनकी चाल चलन चेंज हो जाते हैं, उनका उसका बात करने का स्टाइल बदल जाता है, फ़ोन बदल जाते हैं, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह एक ही नंबर है आज भी, पहले भी, और ख़ुद ही मिनिस्टर बना हुआ था तब भी खुद ही उठाता था, खुद ही लोगों से बात करता था और खुद ही लोगों के साथ रबते में रहता था। तो फारूक साहब ये जो माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात है आपने जो बताई है ख़ानदानी लोगों के, ये नो डाउट आपके पूरी फैमिली का एक ये समझ लीजिए कि भी एक तोरा इम्तियाज़ रहा है ये। ऐसे ही तो फारूक साहब ये मुझे बताइए कि ये किसकी लेगेसी थी जो आप लेके चल रहे हैं, क्या वालिद साहब की तरफ से कि ताया की तरफ से, ये लेगेसी जो लेके चल रहे हैं आप? ये एक बेसिकली देखिए ताया हमारे जो असगर गुरकी साहब थे, जो उन्होंने गैर जमाती इलेक्शन जनरल साहब के दौर में MNA का लड़ा, आज ये लाहौर के जितने 5 MNA बनते हैं रूरल एरिया के सारे, जी जी, तब एक MNA होता था, और 585 गांव होते थे ये सारे एक MNA के नीचे, यानी कि एक MNA अपना हल्का फिरते फिरते बहुत बुरे हालात, बहुत बड़ी उसकी स्टेट थी ये 85 की बात, और जब तक वसाइल भी नहीं थे, सड़कें भी नहीं थी, बिजली भी नहीं थी, तो कई दफ़ा तो रात उसी गांव में जहां पे वो कंपेन करने जा रहे थे तो उधर ही सोते थे। तो उधर से हमने सोचा कि जब के खिदमत कर रहे हैं तो चले, पॉलिटिक्स में भी आए थे लोगों की खिदमत करने के लिए, तो साथ हमने एकदम, क्योंकि हमने गुरकी हॉस्पिटल में एक छोटा सी बनाई हुई थी डिस्पेंसरी टाइप अपने गाँव में ना, तो सारी बात वहाँ पर जो ज़रूरियात फर्स्ट एड थी वो मिल जाती थी। फिर हमने सोचा कि अल्लाह पाक ने हमें वसाइल भी दिए हैं, पैसा भी दिए है, तो क्यों ना हम इसको अच्छे तरीके से चला सकें। तो फिर हमने, मेरे ताया ने ये 89 में ये सोचा
ये उसका गुरकी हॉस्पिटल बनाना, ये जगह हमारे पास पुरानी काफ़ी 70s से पहले की थी, तो फिर हमने यहाँ पे हॉस्पिटल का संग बना रखा। लेकिन उम्मीद नहीं थी कि ये इतना बड़ा अदारा बन जाएगा, लेकिन अब ये मेरा ख्याल है खुद अपनी पहचान खुद है। अब हमने इसमें साइबर नाइफ लगाया कैंसर की ट्रीटमेंट का, जो है वो पाकिस्तान में कराची में, पंजाब में ये पहला लगा है साइबर नाइफ। सर ये साइबर नाइफ क्या है, थोड़ा सा व्यूज़ को बताइएगा ये, और क्यों ये इतना, यानी कि आपने जो इतनी महंगी टेक्नोलॉजी इंपोर्ट की है उसका एक आम इंसान को क्या फ़ायदा होगा जो कैंसर के पेशेंट के लिए? उनका साइबर नाइफ का इसमें ये होगा फ़ायदा कि ये रोबोट है, बेसिकली रोबोट के थ्रू इसकी लेज़र के साथ सर्जरी की जाती है। ये बॉडी के किसी हिस्से में भी आपके, अल्लाह ना करे कैंसर की फर्स्ट स्टेज हो, तो ये लेज़र के साथ उसको खुद ही रिसॉल्व कर रिमूव करता है। उसमें आपकी एक सेटिंग में भी हो जाती है, किसी को दो भी होती है, तीन भी करनी पड़ती हैं। तो शुक्र है बंदा जाता ही लड़खड़ा कर आता, अपने पाँव से चल कर आता है वापस आता है। बड़ी अच्छी बात है। और ये पाकिस्तान में पहला दूसरा है। और सर ये बिला मुआवजा सब के बिला मुआवजा सर, अगर आप ये बाहर कहीं अमेरिका इंग्लैंड कहीं भी जाके ये ट्रीटमेंट कराएं तो कुछ नहीं $20,000 से कम नहीं है, जो यहाँ पर, हाँ यहाँ पर जो है कि हम इसको लोगों के लिए फ्री चैरिटी के अंदर इसको करते हैं, जो अफोर्ड कर सकता है, जो ज़कात जिसको नहीं लगती वो प्राइवेट भी करता है, तो प्राइवेट भी इतना एक्सपेंसिव नहीं है, कोई तकरीबन डेढ़ दो लाख रुपए चार्जेस उसके ऊपर लगते हैं। तो शुक्र है यानी कि बिला फ्री का आपने किसी सियासी बुनियादों पर नहीं, नहीं नहीं, ये आम इंसान के लिए कि जो इस तकलीफ में मुबतला है वो गुरकी हॉस्पिटल में आ सकता है और अपना ट्रीटमेंट इस हवाले से करवा सकता है। बिल्कुल ऐसे ही है, ये हमारे चैनल के हवाले से आपका मैसेज भी चला। बिल्कुल, और हमने कोई इसे, हम इसे सियासत के साथ जोड़ते भी नहीं, हम ये यानी कि सियासत करनी तो ये काम करना, इसके बदले लोगों से वोट लेना, ये तो अल्लाह की रजा के लिए हम लोग ये काम कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है जी। नाज़रीन आप देख रहे हैं ख्वाबों से तबीयत तक का इस सफ़र में हमारे साथ जो आप स्पेशल गेस्ट हैं जी फारूक यूसुफ गुरकी साहब हैं। इस वक्त हम लेंगे एक स्मार्ट सा ब्रेक, मिलते हैं आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। ये है कि हमारी फैमिली जो है उसका ये कि जिसके साथ हम एक दफ़ा जुड़ गए हैं ना, फिर हम उसके अच्छे बुरे में उसके साथ ही खड़े हैं, चाहे वो जिधर भी। वेलकम बैक नाज़रीन, ख्वाबों से तबीयत तक का ये सफ़र जारी है जो कि पावर्ड बाय मॉडर्न स्टील ग्रुप ऑफ कंपनीज आप देख रहे हैं। और आज मेरे साथ लाहौर की बड़ी नामवर शख्सियत, बड़े फेमस बिजनेसमैन भी कह सकते हैं और एक यानी कि जिसको सियासी वर्कर भी कहा जा सकता है उनको, जी हाँ फारूक यूसुफ गुरकी साहब मेरे साथ मौजूद है। फारूक साहब आपकी भाभी समीना गुरकी वो भी किसी तारुफ के मुहताज नहीं है, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा अपने हलके के लिए आवाम के लिए सर्व किया और आप पूरी फैमिली के हवाले से, तो सर आपस में आप लोगों की केमिस्ट्री कैसी है कि एक सीट के ऊपर कोई इस तरह का मामला वगैरह चलते रहते हैं, घर में भी सियासत होती रहती है कि नहीं? नहीं शुक्र अल्लाह का हम आपस में इतने उस चीज़ से गुजर चुके हुए हैं, मैच्योरिटी आ चुकी है। एक्चुअली देखें सियासत में अब एक चीज़ ये बता दें कि हम लोगों ने जो अपनी फैमिली का जो नाम है ना गुरकी फैमिली को, उसको ज़िंदा रखने के लिए पॉलिटिक्स उसको आगे रखा है, उसको आगे रखा, उसको कर रहे हैं और उसी के ऊपर पॉलिटिक्स कह रहे हैं, अपनी के लिए नहीं कह रहे, क्योंकि हमारी फैमिली, हमारे ताया अब्बा कज़न सब ने इस पे बड़ा काम किया, बड़ा नाम बनाया। तो लाहौर शहर के अंदर आपको पता है बहुत बहुत लोग हैं, बड़े बिजनेसमैन भी हैं, बड़ा बड़ा पैसा भी है, लेकिन एक नाम जो है ना गुरकी, एक बेसिकली एक ब्रांड बन चुका है। इस ब्रांड को कंटिन्यू करने के लिए हम अपनी खिदमत भाभी और हम कर रहे हैं और आपस में दोनों डिस्कस सलाह मशवरा करके अच्छी केमिस्ट्री आपकी, हाँ जी करके कर रहे हैं, वर्किंग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देखें कि जहाँ तो बहुत ज़्यादा फैमिली में कोई बड़े रह गए हों, जो पहले जैसे खालिद साहब अल्लाह जन्नत नसीब करे, अरशद साहब, मेरे वालिद साहब, हाँ जिसके सब सारे अल्लाह को प्यारे हो गए, तो अब सिर्फ भाभी समीना और मैं ही दो ही बंदे पॉलिटिक्स में हैं, तो अब हम दोनों एक ही पिच पे रह के इस अपने तो नाम की और सियासत करें। जनरेशन है आपकी कि थर्ड जनरेशन सियासत के हवाले से भी, और सियासत के अलावा आप सेकंड जनरेशन कह लें, सेकंड जनरेशन, हाँ जी थर्ड जनरेशन पे नहीं गया अभी, और अभी तैयार हो, अभी तैयार हो रही है, ये अभी सेकंड जनरेशन पे। सर आप, आपकी फैमिली ना फाउंडर्स में से पीपल्स पार्टी से साथ बड़ी आपकी पुरानी याद भी और एक वर्किंग रिलेशनशिप रही भी अब भी है, तो अभी जो आने वाले दिन हैं, जो अभी इलेक्शन आ रहा है इंशाल्लाह होगा भी, तो आप हम क्या एक्सपेक्ट करें कि गुरकी फैमिली को कहाँ देखते हैं हम सियासत के? देखें जी आज भी जो हालात हैं हमारे हलके में, हमारे हलके में लोगों का जो लोगों के साथ हमारा रबता है ना, बड़ों का ही रबता हम अपना
उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, उसी का यानी कि ले के वोट सुन्नी के चल रहे हैं। लेकिन ज़ाहरी बात, जो उन्होंने खिदमत की, जो उन्होंने कुछ किया, हम भी कोशिश कर रहे हैं कि उनके नक्शे कदम पर चल सकें और लोगों को डिलीवर कर सकें। तो हमारा जो बेसिकली ये है कि हमारी फैमिली जो है उसका ये कि जिसके साथ हम एक दफ़ा लाइक जुड़ गए हैं ना, फिर हम उसके अच्छे बुरे में उसके साथ ही खड़े हैं, चाहे वो जिधर भी। और यही वजह है कि आप इस हल्के में चले जाएं, और इस हल्के की, क्योंकि ये हल्का जब चेंज हुए तो हल्का निकल गया था, तो इस हल्के की पूरी भरपूर आवाम की हमारी डिमांड थी कि जी क्या कहते हैं जी फारूकी यूसुफ गुरकी को टिकट दें और इलेक्शन लड़। जब मैंने यहाँ पर इलेक्शन लड़ा, आप यकीन करें कि लोगों ने मेरे ऊपर ऑफिस बनाए, खुद ही हर चीज़ उन्होंने खुद की सपोर्ट किया, इस तरह किया कि इतनी इज्जत दी कि आप सोच भी नहीं सकते कि आपको वोट मांगने नहीं पड़े लोगों ने, बल्कि आपको, आप जिसके घर पे गए तो उसने आपके लिए खाना दावत यानी कि करके आपको बुलाया और खाना भी खिलाया और वोट भी दिए। तो सर आपने पे ऑफ किया उनको? सर पे ऑफ देखें, पे ऑफ वही कह रहा, पे ऑफ करने का ये है कि मेरी फैमिली, मेरे बच्चे, मैं जब 5 साल मिनिस्टर रहा हूँ तो मैं अपनी फैमिली, अपने बच्चों को टाइम नहीं दे सका। मेरी फैमिली कह रही थी कि हर घर पे भी जब होते हो फ़ोन और बाहर भी फ़ोन, कभी आना कभी जाना, सिर्फ फ़ोन। आपको पहले भी बताया कि फ़ोन मैं अपना खुद सुनता था, रात में 2 बजे तक जाग रहा हूँ। आप अभी भी ट्राई करें, कभी भी ये नहीं कि तब आप भी करेंगे तो मेरा फ़ोन ऑन होगा, रात 2 बजे भी आप मुझे काम कहेंगे तो मैं उसी नीयत, उसी एक नीति के साथ काम करूँगा कि जैसे कि करना होता है, चाहे उसके लिए मुझे आधा घंटा किसी के साथ खपना पड़े, शोर डालना पड़े, उसको फ़ोन करना पड़े, उसको फ़ोन करना पड़े, लेकिन मेरा होता है कि आपने मुझे किया तो मैं आपको कुछ करके दूँ। फारूक भाई, आप मिनिस्टर भी रहे हैं आईटी के हवाले से, बड़े यंग मिनिस्टर रहे हैं आप, तो वो टिनोर कैसा था और उसमें क्या क्या कुछ आपके दौर में कुछ आईटी के हवाले से कुछ बेहतर? हाँ जी, उसमें दो चीज़ें थी, क्योंकि ये आईटी मिनिस्ट्री जो है ना पाकिस्तान में भी पंजाब में तो नई चीज़ समझी जाती थी, क्या ही नहीं। 2002 में ये पहली दफ़ा यानी कि आईटी मिनिस्टर बना, यानी कि पहला आईटी मिनिस्टर अलीम खान साहब थे, तो दूसरा आईटी मिनिस्टर यानी कि पंजाब का यानी कि मैं बना। तो हम लोगों ने यहाँ पर लैंड रिकॉर्ड जो मसले मसाइल थे उसको, इसको कंप्यूटराइज करने की पूरी कोशिश की, और उसको आज देखा कि सारा काफ़ी सारे जो हाँ, तो हैं गवर्नेंस के हिसाब से भी एक पूरा पोर्टल पूरा वो बनाया। फिर उसके बाद ये सेफ सिटी जो कैमरे रोड क्राइम से, ये उसके फाइबर ऑप्टिकल जो बिछी, ये भी दवा हमने बिछवाई। फिर उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस जो थे वो भी कंप्यूटराइज हमने किए। फिर उसके बाद ये अल्फा टावर जो है ये भी बंद चौधरी साहब के दौर में रहा था, ये फिर रुक गया था, ये चाइना बना रहा था तो ये छोड़ के चला गया था। फिर हमने उनसे दोबारा मुज़ाकरात किए, उनको बुलाया टेबल पे बैठ के, बातचीत की उनके साथ, उनको एग्री किया, तो आज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये कंप्लीट भी है और ये चल भी रहा है। फारूक साहब, बहुत कम लोग जानते हैं लेकिन मैं ये भी बताना चाहूँगा कि अभी अल्लाह ताला ने आपको एक और डेजिग्नेशन दिया है, बहुत इम्पोर्टेंट है, लाहौर की जो कि एक बरादरी के हवाले से अगर हम बात करें तो अराई बरादरी के आप प्रेसिडेंट भी, अंजमन अराइया के प्रेसिडेंट भी मुंतहिब हुए हैं। बिल्कुल। तो ये क्या, ये चीज़ थोड़ा सा आपकी सियासत के ऊपर फोकियत रखेगी कि नहीं, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस नहीं है ये क्या? नहीं, देखिए लोग कैसे इस चीज़ों से तो काफ़ी आगे जा चुके हुए हैं। देखिए, अराई बरादरी का जो प्रेसिडेंट पहले अरशद गुरकी साहब थे, मेरे कज़न थे, वो बड़ी देर रहे, तो जब उनका इंतकाल हुआ लास्ट ईयर, तो फिर उसके बाद जो अराइम फैमिली, उन्होंने कहा कि आप इसके उनकी जगह आप बन जाएं, तो मैंने कहा चले ठीक है, क्योंकि उन्होंने भी खिदमत अपनी बरादरी की। देखें, ये बरादरी इज़्म वगैरह पे यकीन नहीं है, क्योंकि ये ठीक है अराइम राजपूत सारे हैं, लेकिन हम तो खिदमत कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी बरादरी है, ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन वो एक है कि बड़े अरशद साहब सदर थे तो फिर मैं बन गया, तो ये एक कंसेप्ट है कि जी अराई बरादरी है, कि राजपूत बरादरी, ये बरादरी है, लेकिन ठीक है, अराई बरादरी आपकी जब अपनी बरादरी होती है तो थोड़ा आपको ज़रा खुशी ज़्यादा महसूस होती है, ये नहीं कि आप अपनी बरादरी आपके नहीं कि आप सिर्फ अपनी अराई बरादरी के लिए आपका दरवाजे खुले हैं, आपका सब कुछ खुला, नहीं, हर एक के लिए, चाहे वो अराई। अब यहाँ तक मैं आपको बता दूँ, जब मैं मिनिस्टर था ना तो मैं सिविल सेक्रेटरीट के अंदर अपना ऑफिस के दरवाजे खुले रखता था, और मैं अपने लड़कों का था जो मांगने वाला है ना फकीर, वो भी मेरे दफ्तर के अंदर आ जाता होता था, किसी को नहीं रोकता था मैं, बहुत बड़ी ना ही रोकने देता था कि जो आता आने नहीं। बहुत बड़ी बात है जी। नाज़रीन, आप देख रहे हैं बड़ी दिलचस्प बातें चल रही है फारूक यूसुफ गुरकी साहब के साथ, जो कि आज हमारे गेस्ट हैं। इस वक्त हम लेंगे एक स्मार्ट सा ब्रेक, मिलते हैं आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। शुक्र अल्लाह का कि हमारे पास जो टीम है, जो डॉक्टर्स हैं और जो फैमिली मेम्बर्स हैं, वो जब टीम हो किसी चीज़ में भी तो तब भी
ऐसा काम हो सकता है। तो शुक्र है टीम भी वैसी है, डॉक्टर भी वैसे हैं। हमने अब कोरोना में सारे थिएटर्स बंद थे, सिर्फ गुरकी हॉस्पिटल का थिएटर चल रहा था जिसने 7,000 ऑपरेशन किए ड्यूरिंग। वेलकम बैक नाजरीन, ख्वाबों से तबीयत तक, पावर्ड बाय मॉडर्न स्टील ग्रुप ऑफ कंपनीज। और मेरे साथ मौजूद है हमारे स्पेशल गेस्ट फारूक यूसुफ गुरकी साहब। फारूक साहब, अभी फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं, क्या कर रहे हैं आप सियासी अतबार से भी और CSR के हवाले से? जिस तरह गुरकी हॉस्पिटल का आपने बताया, उसमें कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं स्पेशल जो आप ऑफर करते हैं वहाँ के गरीब एरिया के लोगों को, लोगों के लिए? जी जी, थोड़ा सा बताइएगा। उसके लिए हमने पहले तो हमारा सबसे पहले जो गुरकी हॉस्पिटल, ये था स्पाइन सेंटर आर्थो का, पाकिस्तान में पहला स्पाइन सेंटर था जो चैरिटी में चलाया गया था। फिर हमने इसके अंदर, अब जाहरी बात है, फिर और भी पेशेंट्स हमारे पास आते रहे सारे। अब हमने इसमें डायलिसिस का भी स्टार्ट कर दिया है। फिर उसके बाद अब गुरकी मेडिकल कॉलेज भी हम खुद बना रहे हैं, पहले उधर उसी के अंदर। अब उससे भी जो पैसे बनेंगे या जो हाउस उसके कॉलेज का एक्सपेंस निकाल के जो बचेगा वो भी चैरिटी में देंगे। इसमें से हमारी फैमिली का कोई मेंबर कोई पे कोई कुछ नहीं ले रहा, सारा जो है चैरिटी करते हैं, सारा हो रहा है। अब इसके अंदर हमने एक मेहमान का, जो खान साहब ने कहा था जी के मेहमानों के लिए एक मेहमान का बनाई जाए, वो हमने 400 बंदों की बनाई है। अच्छा, इसके अंदर उसमें ये है कि जो अटेंडेंट आता है, आप दूसरे हॉस्पिटल में जाएंगे लोग फुटपाथ पे ग्राउंड्स में लेटे होते हैं, हम लोगों ने रहने की जगह दी है हॉस्पिटल के अंदर, उनके लिए बिस्तर है, वो रहते हैं। पीछे किसी की हमें ज़रूरत पड़े तो उसको वहाँ से वो हम बुला लेते हैं, उसका जॉब पे मरीज़ दाखिल है उसको बुला लेते हैं, उनको खाना जो उनका रहना खाना उनको फ्री हम लोग देते हैं। तो ये एक अब बहुत बड़ा अदारा, अल्लाह पाक ने काम लेना था और कुछ ये अल्लाह की ही देन होती है, हर बंदा है जिसे लेना चाहे। तो अल्लाह ने मेहरबानी की हमारी फैमिली सारों पे की है, और शुक्र अल्लाह का कि हमारे पास जो टीम है, जो डॉक्टर्स हैं और जो फैमिली मेम्बर्स हैं, वो जब टीम हो किसी चीज़ में भी तो तब भी ऐसा काम हो सकता है। तो शुक्र है टीम भी वैसी है, डॉक्टर भी वैसे हैं। हमने अब कोरोना में सारे थिएटर्स बंद थे, सिर्फ गुरकी हॉस्पिटल का थिएटर चल रहा था जिसने 7,000 ऑपरेशन किए हैं ड्यूरिंग द कोविड। और कोविड ये नहीं हमने कोई ज़बरदस्ती अपने टीम से करवाया या नहीं, हमने अपने टीम से डिस्कस किया कि भाई आप ये इशू है, आप लोग एग्री हैं कोरोना में ये, हम इसको OPD और ये चल रहे हैं। उन्होंने कहा जी हम लोग एग्री। वो बता रहा हूँ कि टीम पूरी हमारे पास जो स्टाफ से लेके, यानी PN से लेके सारा स्टाफ, हम समझे कि एक से बढ़ के एक है जो खिदमत खलक करने के लिए अपनी जान तक। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। फारूक साहब, ख्वाबों के ऊपर यकीन रखते हैं और ख्वाबों की तबीर के ऊपर? जी बिल्कुल, क्यों नहीं। कोई ऐसे ख्वाब जो बचपन में देखे थे जो अभी, चाहे वो इश्क के हवाले से हो चाहे पॉलिटिकल के हवाले से हो, तो पॉलिटिक्स के हवाले से तो मिल गया सब कुछ, तो ख्वाब बंदा ज़रूरी नहीं जो देखे वो पूरे हो, पूरे हो जाते। कई दफ़ा जो ख्वाब नहीं देखे होते वो पूरे हो जाते हैं, जो ख्वाब अच्छा, देखे होते हैं ऐसा हुआ है। ऐसा ही है जैसे पॉलिटिक्स के, यानी ख्वाब ये कभी बंदा होता है ना कि फैमिली सारी पॉलिटिक्स में रही, अब्बा और दाया सारे था नहीं कि पॉलिटिक्स में जाएंगे, लेकिन बस अल्लाह पाक ने जिसे कहते हैं लिखा तो सारा अल्लाह की तरफ से होता है, बंदा तो कुछ नहीं चाह सकता। तो अल्लाह पाक ने कोई, अब अल्लाह ही बेहतर जानते हैं, कोई खिदमत को लेनी थी, हम इस काबिल तो नहीं है, लेकिन अल्लाह पाक हमसे काम ले रहा है और हम काम कर रहे हैं, वो चाहे पॉलिटिकल हलके के थ्रू हो, चाहे खिदमत हॉस्पिटल के थ्रू हो, उसी में कोई बेहतरी होगी, कोई अल्लाह हमसे राजी है और हम भी चाहते हैं कि और अल्लाह पाक हम पे, हमें इस काबिल करे कि हम अपनी आवाम की खिदमत कर सके पॉलिटिकल से हट के। फारूक साहब, शादी अरेंज है कि लव मैरिज? शादी मेरी क्या कहते हैं समझ ले, अरेंज भी कह रहे हो लव भी कह रहे, दोनों में पहले लव थी फिर अरेंज होगी? नहीं, पहले अरेंज थी, यानी कि अब्बा ने देख, अम्मा और अब्बा ने किया, उन्होंने पूछा कि ये क्या जी है, तो क्या पसंद है? मैंने कहा जी ठीक है, शादी तो करनी है, चले ठीक है। तो कितने बच्चे माशाल्लाह? मेरी तीन बेटी हैं। तीन बेटी? हाँ जी, एक अभी बेटी मेरी ग्रेजुएट हुई है लंदन यूनिवर्सिटी से, अभी वह गया हुआ था, उसने वहाँ से की है ग्रेजुएशन की है, तो उसकी कॉन्वोकेशन थी ये 13 जुलाई को, तो फैमिली हम लोग सारे उधर ही गए थे। वो कह रही है दो बेटी हैं, एक ISL में पढ़ रही है और एक लाहौर यूनिवर्सिटी बरकी रोड में उसने एडमिशन ली है। जी नाज़रीन, अभी मैं आपको ये भी बताऊं कि हमारे साथ एक और पर्सनैलिटी मौजूद है अभी,
जो कि फारूक साहब के साथ मोस्टली उनका टाइम गुजरता है, उनके दोस्त भी कह सकते हैं, उनके पॉलिटिकल सेक्रेटरी या मैनेजर या उनके कोऑर्डिनेटर भी कहा जा सकता है, उनसे भी हम थोड़ा सा जानेंगे कि वो ज़्यादा रोशनी डाल सकते हैं फारूक साहब की पर्सनैलिटी के ऊपर। जी फारूक साहब, कोई फ्यूचर का प्लान बताएं कि अब आप आगे क्या करने जा रहे हैं, बिज़नेस के अतबार से भी और सियासी अतबार से। इस दफ़ा इलेक्शन जो होगा, मेरा क्वेश्चन फिर वही, आप उसमें पार्टिसिपेट करेंगे? देखिए जी, इंशाल्लाह पार्टिसिपेट करेंगे। अब हमारा जो, पहले भी मैंने ये बताया था कि फैमिली में बड़े अब रहे नहीं, जिसे कह लें कि सारे अल्लाह को प्यारे हो गए, अब सिर्फ भाभी और मैं ही हैं। तो हम अपनी मशावरत और आपस में डिस्कस करके फिर ही करेंगे, क्योंकि अब हल्का भी हमारा, आपको पता है, चेंजिंग हो गई है, तो भाभी और मेरा हल्का इकट्ठा हो गया, इकट्ठा हो गया। तो अब उसमें हम देखेंगे आने वाला वक्त में क्या हालात बनते हैं, किस तरह के बनते हैं। उसमें अगर फैमिली, हम चाह रहे हैं कि, देखिए हर बंदे को शौक होता है जी मैं भी लड़ूँ, ये हम, लेकिन हम चाह रहे हैं कि कोई ऐसा तरीका बनाया जाए कि जिससे हम सीट जीत जाए, चाहे एक फैमिली का मेम्बर ही लड़े, उसकी रिप्रेजेंटेशन हो जाए। नीचे हम अपनी किसी बरादरी को ले गए, वान बरादरी या किसी को ले गए, ऐसा कोई सेटअप बनाए, बजाय कि ऊपर भाभी लड़े नीचे मैं लड़ूँ, और या मैं भाभी उस हल्के से लड़े मैं उस हल्के से लड़ूँ, कुछ फैमिली मेरी उधर हो कुछ इधर हो, तो वो हम एक जगह फोकस भी ना कर सके और बजाय के दोनों सीटें लूज़ कर दे। तो ये वक्त के मुताबिक हालात के देखते हुए अगर हमें एक सीट पे लड़ना पड़े तो इंशाल्लाह एमएनए की सीट पे। वो आपकी भाभी भी माशाल्लाह बड़ी एक्टिव है इसमें। हाँ जी, वो भी काफ़ी एक्टिव है, वो क्या कहते हैं, पंजाब की वुमेंस की सदर भी हैं उसका, पीपल्स पार्टी की तरफ से। और पीपल्स पार्टी हमने तो देखा है, मैं खुद, मेरा ख्याल 16-17 साल का हूँगा जब मोहतरमा, ये क्या कहते हैं, लाहौर आई थी जब उन्होंने वो जब मनारे पाकिस्तान से वो गड़ी शो स्टेडियम गई थी, तो मैंने वो जज्बा लोगों के अंदर देखा था कि बीबी जहाँ जहाँ से गुजरती थी वो सड़कें जो है फूलों की रोड बन जाते थे। बिल्कुल नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। और बीबी का विजन और बीबी की चीज़ और सोच बहुत थी। मेरा तो उनके साथ इतना काम करने का इतफाक नहीं हुआ, 2 साल ही हुआ, जिन लोगों ने किए हैं पुराने, जो वो बीबी के बारे में कहते कि वो बड़ी जीनियस और बहुत शाऊर और बड़ा क्या कहते हैं इंटेलिजेंट थी, कि किसी वर्क, किसी वर्कर को वो क्या कहते हैं निराश नहीं करती थी, कुछ नहीं करती थी, और याद रखने वाली, याद रखने वाली। इसी पे मैं एक बात आपको बता कि जब बीबी कराची आई तो शहीद हुए लोग, वो बम धमाका जब हुआ तो उसमें गड़ी शादरे की एक हमारी पार्टी की वर्कर्स हैं, उनका बेटा भी शहीद हुआ, तो बीबी खोसा साहब के घर ठहरी हुई थी। तो उन दिनों में हुकूमत मशरफ था, उन्होंने सारा सील कर दिया, ये कर दिया। बीबी ने कहा मैंने उधर जाना है, क्योंकि हम भी खोसा साहब के घर मौजूद थे। तो जो इंतज़ामिया थी वो कहती जी आप वहाँ पे नहीं जा सकते, थ्रेड है, ये है, वो है। तो बीबी ने कहा अच्छा, मैंने इकबाल के मज़ार पर हाज़री देनी है। तो उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने पूरा रूट लगा दिया इकबाल के मज़ार पर हाज़री देने के लिए। तो हम भी गाड़ी में साथ ही थे, कैरा साहब भी साथ ही थे सारे। तो हम जब वो, आप देखते ना मनारे पाकिस्तान से राइट, आप तो चेंज हो गए ना, पहले राइट मुड़ते थे इकबाल के मज़ार के लिए, तो राइट मुड़ने के जाए, हाँ जी राइट मुड़ने के जाए बीबी ने सीधा ही गाड़ी कर ली। अच्छा, इंतज़ामिया परेशान के जाना, बीबी ने राइट था, बीबी सीधी, बीबी उस गली के अंदर शादरे में उस अपनी वर्कर जो बंदा शहीद उसके घर पर चली गई, अनएक्सपेक्टेडली। किसी को नहीं पता, इंतजामिया को भी चक्कर ही दिया कि जाने नहीं दे रही थी, लेकिन उसने कहा नहीं मैंने जाना, उधर चली गई। यानी कि वो इस तरह की लीडर सर थी। ये थी उनमें खूबी। सर बिलावल भुट्टो से क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं? देखिए बिलावल भुट्टो बीबी शहीद का बेटा भी है, जरदारी साहब हमारे जो है वो भी सियासत को बड़ा अच्छा समझते हैं। तो देखें मैं भी ये कहता हूँ कि वो उनकी फैमिली बहुत बड़ी, यानी कि नाम भी बीबी शहीद है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उसमें भी खून तो भुट्टो साहब और यही है, लेकिन लेगेसी तो वही लेगेसी तो, लेकिन अभी भी बड़ा अच्छा काम एज अ वज़ीर ख़ारजा बिलावल साहब कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि आहिस्ता आहिस्ता, ज़ाहरी बात है कोई भी हो, किसी फील्ड में भी हो, चाहे आपकी फील्ड में हमारे भी, और टाइम के साथ साथ चीज़ें सीखता है कोई, थोड़ा बहुत टाइम गुजरता नहीं सीख पाता, कुछ सीख लेता है, लेकिन बिलावल साहब आहिस्ता आहिस्ता काफ़ी कुछ सीख रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि एक अच्छा लीडर पाकिस्तान को एक अच्छा लीडर मिलेगा। फारूक साहब, कोई ऐसा मैसेज पाकिस्तान के ट्रेड के हवाले से अगर आप हमारे व्यूज को देना चाहें एशियन ट्रेड टीवी के हवाले से, तो प्लेटफॉर्म आपके लिए हाजिर खिदमत है। मैं तो ये दे सकता हूँ कि शाहिद साहब, आप जिस तरह माशाल्लाह इसको लेके चल रहे हैं, अल्लाह
आपको और तौफीक दे और ये हिम्मत दे और आप इसी तरह इस चीज़ को लें और आप कामयाब होते जाएं। और इस हमारे सब भाइयों की दुआएं आप लोगों के साथ हैं और आज आपके इस कैमरे के थ्रू भी कहते हैं कि चले ये तो इंटरव्यू था और कभी भी अब आपके साथ ताल्लुक बन गया तो इंशाल्लाह ये ताल्लुक अब आपकी और हमारी ज़िंदगी तक चलेगा इंशाल्लाह। जी हम भी ताल्लुक निभाने वालों में से हैं और इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैरियत रखे। फारूक साहब मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने बावजूद इतनी मसरूफियत में से मुझे टाइम दिया इंटरव्यू के लिए और नो डाउट ये हमारी बड़ी इंटरेस्टिंग एपिसोड होगी। हमारे व्यूज़ का वेट होता है कि पाकिस्तान के ऐसी सेलिब्रिटीज़ को ऐसे स्टार्स को हम उन तक लेके रहें जिन्होंने अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए और सॉफ्ट इमेज के लिए पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ किया है। सर आज आपके लिए एक स्पेशल गिफ्ट है जो कि हमारे जो स्पॉन्सर्ड कंपनी है मॉडल स्टील ग्रुप ऑफ कंपनीज उन्होंने आपके लिए भिजवाया है जो आपको हमेशा याद रहेगा कि आप हमारे गेस्ट थे। जी फारूक साहब ये गिफ्ट है स्पेशल आपके लिए सर मॉडल स्टील ग्रुप ऑफ कंपनीज की तरफ से जो आपको हमेशा याद दिलाएगा कि आप इस सफ़र में मेरे स्पेशल गेस्ट थे। सर बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका भी और कंपनी का भी और वैसे भी आप भूलने वाली शख्सियत नहीं है हमेशा वैसे ही इसके बगैर भी आपको याद रखेंगे। प्लेयर जी बहुत बहुत मेहरबानी। वेलकम बैक नाज़रीन ख्वाबों से तबीर तक इस सफ़र में बिलीविंग पाकिस्तान के साथ शाहिद मियाँ हाजिर है और मैंने जैसे पहले बताया था मेरे साथ एक चौधरी फारूक यूसुफ गुरकी साहब के एक बड़े दरीना दोस्तों में से एक दोस्त हैं, एक ऐसे दोस्त जो कि उनको बहुत करीब से जानते हैं कि एक्चुअल में जो मैं उनसे पूछना चाह रहा था लेकिन वो सियासी एतबार से बता नहीं पा रहे थे कि एक्चुअल में फ़ारूक साहब है क्या, ठीक है। और क्योंकि उनका ज़्यादातर टाइम जो है वह फ़ारूक साहब के साथ गुजरते हैं पुराने दोस्तों में से हैं। जी अब मैं बात कह रहा हूँ वो भी एक जानी पहचानी शख्सियत हैं साकिब चौधरी साहब की। जी चौधरी साहब क्या हाल है आपका? सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया जी पहले तो आपने मुझे मौका दिया और हमें बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने मुझे मौका दिया कि आप मुझसे मेरे एक दरीना दोस्त मतलब वो दोस्त है जिसको हमारे मेरा ख्याल है कि मुझे उससे और उसको मुझसे ज़्यादा शायद ही कोई जानता हो। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात होती है। तो सर बताइए थोड़ा सा फारूक साहब के क्योंकि वो सियासी तबार से तो दुनिया जानती है उनको, ठीक है, लेकिन उनका वो एक ऐसा दौर फेस वो जो जवानी का था जहाँ से वो गुजरे हैं इश्क ला जो मैं आप... वो थोड़ा सा बयान कीजिएगा क्योंकि दोस्तों से ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जानता। अच्छा सर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ ये वाकई दुनिया के लिए बड़ी सरप्राइजिंगली होगी कि एक मिनिस्टर एक इतना बड़ा ख़ानदान का जो है बच्चा शख्सियत एक सियासी शख्सियत जिनको बड़ी दुनिया में जिनका नाम है लोग जानते हैं तो वो असल में है क्या। फारूक की मेरी दोस्ती अगर देखा जाए इतनी पुरानी है कि फारूक के बड़े भाइयों की भी शादियां और उनके बच्चे यानी कि इट्स अबाउट मोर देन अ डेकेड यू कैन से दैट इज 35 इयर्स और मोर। तो जो फारूक के लोग के बारे में क्वेश्चन आपको एक बात तो लोग शैतान होते हैं बच्चे शरारती होते हैं ठीक है ना। फारूक नहीं था अच्छा नो शाय पर्सन और वेरी सिंपल ओके। अच्छा मैंने आना हमारी इनकी वालदा उन्हें अल्लाह खली की रहमत करे हयात होती थी तो मैंने ये नॉक करना तो इनका रूम होता था बार वाला तो उन्होंने मुझे आई साहब ने निकलाना उन्हें भी खली की रहमत कहा जी यूसुफ गुरकी साहब मेरे अंकल हैं यानी कि मैंने अपने वालिद के बाद अगर किसी को बहुत प्यार किया तो उन्हें किया तो मुझे मैंने आना चौरी मुझे चौरी कहते थे हमेशा प्यार से चौरी अंदर फारूक है तू चला जा मैंने कमरे में जाना ना सोए होना मैंने साल लेट जाना उठ जाना हमने कट्टी यार चौरी नाश्ता करके आया नहीं मैं नाश्ता करना। अच्छा सिंपल वे में हमने चले जाना इसके पास गाड़ी होती स्पोर्ट्स कहीं चले गए बैठे गप्पे शप्पे की कुछ खाया पिया कभी पिज़्ज़ा खा लिया उस टाइम लाहौर में भी पिज़्ज़ा नया नया आया था ये मैं बताऊँ तो हमारी और पिज़्ज़ा सर ये कोई खुला तजाद लग रहा है नहीं नहीं तजाद नहीं एक्चुअली मैं बताता हूँ सर मैं वो भी ट्रिपिकली नहीं ये की बात कह रहा मैं सर आपको बताने लगा असल में मेरे एक दोस्त थे वो एक पिज़्ज़ा की ना उन्होंने एक फ्रेंचाइज बनाई थी तो हम मैं जब उसकी एक तरह से समझ लें ओपनिंग थी ना तो फारूक मेरे साथ ही वहाँ गया तो उस टाइम लाहौर में ना बड़े मेरा ख्याल दो तीन सेलेब्रिटी नहीं होते थे लोग इवन लोगों को अवेयरनेस भी नहीं होती थी तो हमने मतलब उधर चले जाना या इसके पास स्पोर्ट्स गाड़ी होती थी मौसम अच्छा होना इसने मेरे पास आ जाना चोरी आ जा ड्राइव पे चलते हैं। अच्छा ये सर हमारी एक्टिविटीज़ होती थी ये नहीं होती थी कि जैसे आज मतलब मैं किसी को कह रहा लोग जा रहे हैं लड़के जो उधर बैठ के स्मोकिंग कर रहे हैं या कोई ताश खेल रहे हैं बगैर मकसद नहीं सर और प्रोडक्टिव सर प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ होती थी और मैं ये देखता होता था कि हाजी साहब इधर बैठ के
उस दौर में भी लोगों की मददें और हेल्प फैसले कर रहे होते थे, और अगर भाई साहब नहीं होते थे, फरूक बिल्कुल टीन एज था, तो फरूक बैठ के लोगों के मसले सुन के फैसले कर देता होता था। यह एक ऐसी तलख हकीकत है कि एक बच्चा, आप देखें, मैं आपको एक ज़ाती चीज़ बता रहा हूँ, मेरे एक कोई कारोबारी मसला था, तो फरूक गया हुआ था, तो भाई साहब उठ के नमाज के लिए चले गए, तो वो जो बंदे थे ना वो गलत थे, तो फरूक बिल्कुल टीन ही था, मैं मुझे देखे था चोरी क्या बात है परेशान है, मैं कि यार वो भाई साहब के पास फैसला आया तो ये ट्रुथ है, ये आया इसने आके बैठा है, इसने कहा जी आप भी सही कह रहे हैं, आप भी सही कह रहे हैं, तो ऐसे फैसला नहीं होगा, आप वजू करें और आप लोग हल्फ ले लें, जो सच्चा है वो सच्चा साबित। तो मतलब वो लोग लिटरली उसके इतनी बात कह रहे थे, वजू ना करने से वो उठ के भाग गए। तो मतलब मैं बता रहा हूँ, इस टीन एज में भी इसका एक शख्सियत थी, ये पूरी भरपूर एक इसकी पर्सनैलिटी थी, और जब ये ना मिनिस्टर थे सर, ना सिवाय उस टाइम सिर्फ जो असगर यूसुफ गुरकी साहब थे या गुरकी फैमिली के नाम था, और फरूक एक सिर्फ फ़र्द था, मैं उसको उस टाइम फ़र्द कहूँगा, उस टाइम भी लोगों की मदद कर रहा होता था, उस टाइम भी लोगों के हक में फैसले कर रहा होता था और उनके खिलाफ भी फैसले कर रहा होता था। उस टाइम भी मैंने देखा ताकतवर लोग इसे कहते होते थे कि भाई ये ना करो तुम, ये यार हमारा मसला, ये कहता नहीं यार वो गरीब आदमी है, मज़लूम आदमी है, मैं मेरे पास आया, मैं नहीं कहूँ तो अल्लाह कौन जवाब देगा। ये बचपन है सर, आई एम टॉकिंग अबाउट मैच्योरिटी का लेवल, ये मैच्योरिटी का लेवल था सर, उस जमाने में भी वैसे भी ये सोचते थे सर। ये देख लें, मैं आपको बताता हूँ, इसको कोई एडिक्शन नहीं है, बीइंग ए मिनिस्टर मैं कहता हूँ, मैं स्मोकिंग लेटली शुरू हुआ हूँ, मैंने आई वॉज इन अमेरिका, तो वहाँ थोड़ा लोनलीनेस की वजह से मैं स्मोकिंग में चला गया, इसने ना कभी सिगरेट पी ना कोई बुराई, नहीं सर हमारे में थी नहीं ये सर, वेरी गुड। और अल्हम्दुलिल्लाह ये उस टाइम भी मैंने देखा इसमें अच्छाइयाँ थी, बड़े बुजुर्गों को मांगना, उनसे दुआ भी करवानी जाके, और अल्लाह के साथ जुड़े रहना, अभी ये करता है, ये कोई बताता नहीं है लेकिन बताना चाहिए भी नहीं, अल्लाह का और बंदे का मामला। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि सियासत में और बसीयत इंसान इज इंटायरली डिफरेंट सर। हमारे साथ जब ये मिनिस्टर बना, ये भी एक हकीकत है, वो आके मुझे कहना यार चोरी, ये गार्ड पुलिस की, ये जो पुलिस के गार्ड हैं ये यार इनको हटाना दें, मैं यार क्या कहते हैं, मुझे अच्छा, लोग अजीब तरह देखते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता, ये मुझे शो ऑफ लगता है, या मैंने लोगों के काम करने, लोग ही मेरे तक ना आ सकें, मैंने क्या करना इनका। फिर इसने मुझे कहना, मैं याद है हम इधर ग्राउंड में इसके घर बैठे थे, बंदा मिनिस्टर बनता है ना तो बड़ा जंपे लगाता है, चीखता है खुशी के, कोई चक्कर ही नहीं, लोग नाच रहे हैं, मैं बैठा है, मैं कहा तू क्यों बैठा है, कहते यार जिम्मेदारी बड़ी वड्डी पै गई, चोरी की करांगे, मैं कहा मैं तेरे नाल। ये ट्रुथ बता रहा हूँ मैं आपको, ये वो बातें हैं जो कोई नहीं बताएगा। इसके चेहरे पे खुशी नहीं थी, ये बाहर ग्राउंड में बैठे थे, लोग बाहर नाच रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं, जिम्मेदारी का एहसास हो रहा था। मुझे कहता यार चोरी ये कैसे मैं करूँगा, मैं देखना, मुझे पता है सर इसको कोई शौक नहीं था इलेक्शन का, हमारे भाई साहब अल्लाह उन्हें खलीक रहमत करें, उन्होंने लोगों को वहाँ पे कोई मसाइल आ रहे थे बहुत ज़्यादा, और आल साहब को बड़ी कंप्लेन थी, उन्होंने उस मसाइल के और लोगों की पुरजोर फरमाइश पे मजबूर होकर फारूक से रिक्वेस्ट की, तो फिर फारूक माना, फारूक को कोई सियासत की शौक नहीं था। चलें चोई साहब, बहुत बहुत मेहरबानी आपकी, आपने बहुत हकीकत यानी कि वाकई हकीकत में मबनी बातें बताई हैं, जितनी बताई है, क्योंकि आप बहुत करीब रहे हैं उनके, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप भी हमारे गेस्ट ही थे समझिए, एक और वक्त में हम आपको डिटेल कवर करेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर। ये नाज़रीन आज आप देख रहे थे, मेरे साथ थे मेरे हर दिल अजीज शख्सियत और दोस्त लाहौर की पहचान फारूक यूसुफ गुरकी साहब। उम्मीद है कि आपको हमेशा की तरह हमारी सबका रवायत की तरह ये एपिसोड भी बहुत पसंद आएगी। तब अगली एपिसोड तक मुझे इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। गुड़िया रानी के सर में तेल डाल दूं? सारी दुनिया के पेरेंट्स अपने बच्चों की हेल्प करते हैं कि वो बाहर जाके सेटल हो सकें, और हमारे यहाँ मोहब्बत का मतलब है सर में तेल डाल दो। चल। अब्बा के पास इतने पैसे? अब्बा आपने घर क्यों बेच दिए? जहाँ रिश्ते कमजोर हो जाएं, वहाँ घर टूट जाते हैं। ऐसे टूटे हुए घर का मुझे क्या करना है? आप जरा रिश्तों को मजबूत कीजिए, घर की दीवारों और छतों को तो हम मजबूत बना ही देंगे। मॉडल स्टील
आओ एक मजबूत घर बनाते हैं।